इस औरत को के दरवाजा लॉक मत किया करो। रिजल्ट ही नहीं है अंधी कानी पहरी लूली लंगड़ी। डिजाइनर वाले सूट पहन के अम्मा जान के पास मत जाना। देख तुम्हें उनकी आदत का पता है ना? बेल बजा रहा हूँ, बेली हो गई हो क्या? तू है कौन? अरे तुम अपने शोहर को भी नहीं पहचानती? पहचानती हूँ, पर तू कौन है? महमूद। ओए कौन महमूद? तुम्हारे शोहर का नाम महमूद है मामा। हाँ वो घर पे नहीं है इस वक्त। अरे यार पहले इतनी गर्मी में मैं सोता लेके आया इतना वजनी और तुम मुझे ऊपर से और तपा रही हो। न तो किसके इतना सामान है? अरे तुम नहीं तो मंगवाया था मुझसे। ओए पहले बताना था, ला इधर दे। सब कब से दरवाजा नॉक कर रहे हैं यार, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही आप? हाँ। ओहो उठा दे, उठा दे। ओहो जा। आ गया, आ गया यार, आ गया। अरे कहाँ है ये औरत? कौन सी औरत मामू साहब? जिसने मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। आप कहीं माँ जी का जिक्र तो नहीं कर रहे? अरे उसके अलावा और हो भी कौन सकता है? चिल्लाओ क्यों रहे बशीर? अरे बकवास बंद करो, मैं तंग आ गया तुम्हारे इस बशीर नजीर मुनीर से। है? अरे मैं मुसाबा, आराम से आराम से, इस उम्र में गुस्सा आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। रील, तुम बीच में मत बोलो। हाँ पुत्र तू इधर साइड पे आके बोल। मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ? तुम कुछ मत करो, अब जो करना होगा वो मैं करूँगा। मैं ना आप क्या करेंगे हैं? मैं अब दूसरी शादी करूँगा। मैं इस मुँह पे आपसे कौन शादी करेगा? कैसी बातें कर रही है माँ जी? महमूद साहब का माशाल्लाह इतना बड़ा मुंह है, इस पर एक शादी क्या, इस पर तो इतना ही 15-20 शादियां हो सकती हैं। क्यों महमूद साहब? उड़ा लो मेरा मजाक नबील, जितना चाहे उड़ा लो, तुम सबको पता चल जाएगा। और जाए महमूद साहब, जाके रेस्ट करें, वरना 10-12 जुगते और मारूंगा मैं आपके मुंह पर। वो जो तुमने मेरे मुंह पर 10-12 फीकी सी मारनी है वो जुगते हैं? फीकी ही जरूरी है महमूद साहब, मुगर्श है, मुगर्श है। अरे नहीं होने दूंगा भाई ये सब। अरे तुम इंसान हो या क्या हो? क्या मतलब हुआ? इतने खौफनाक खराटे ले रही हो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो आप सो क्यों नहीं जाते हैं? अरे तुम्हारे खराटों से तो मुर्दा उठ जाए, मैं कैसे सो जाऊं? बड़े नशुक्रे आदमी आप, इतनी हसीन बीवी मिली है उस पे भी आपको कदर नहीं है इसकी। अरे मैं लानत भेजता हूँ ऐसी बीवी पर जो गधों की तरह खराटे लेती है। अगर इतनी तकलीफ है ना तो जाएं जाके लाउंज में सो जाएं जाके। तभी से बात करो, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। हाँ तो मैं भी आपकी बीवी हूँ। अरे बीवी हो तो बीवी बन के रहो ना। वो आधी रात को क्यों चिल्ला रहे हैं आप लोग? मैं नहीं चिल्ला रही, ये मनुष्य चिल्ला रहा है। महमूद माँ जी, इस बार मैंने मनुष्य ही बोला है। देखा देखा इस कबार औरत को कैसे बकवास कर रही है अपने शोहर के बारे में। क्या बीवियाँ ऐसी होती हैं? इस मुँह पे ऐसी ही मिलती हैं। मामा मुझे चैलेंज मत करो, अरे इस मुँह पर मुझे एक से एक लड़की मिल सकती है। महमूद साहब मेरा ख्याल है अब आपको नींद आ रही है, आप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। सो जाए, सो जाए। और यहाँ नहीं बाहर जाकर सोए। चलो नबील, इन दोनों का तो यही मामूल है, हम क्यों अपनी नींद खराब करें? हम जो अपनी खराब कर रहे हैं वो नींद है जानू। हाँ जी। और दफा करो यहाँ जाके सोते हैं, चलो। अब मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा मोमो कि मैं क्या कर सकता हूँ।
अच्छा नहीं लग रहा क्या? जितने पैसे आपने इजहार पे लगाए हुए हैं ना, अपने मुंह पे लगाते तो अली इमरान से ज्यादा खूबसूरत मुंह हो जाता आपका। बकवास बंद करो, मैं शफकत चीमा नहीं लगना चाहता, मैं तुमको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। नीली हेलो मामू साहब, ये नीली आप मेरे लिए लाए हैं? जावेद शेख से पूछ लिया ना? अरे उसे छोड़ो तुम, ये तुम्हारी नई अम्मी है। क्या माँ जी? जानो आ जाने, हम अंदर चले। ये कौन है नबील? जानू ये बड़े मुंह वाले मामू साहब है। मैं इस लड़की की बात कर रही हूँ। और जानू ये नीली है, नीली शक्ल से तो मुझे पीली लग रही है। शक्ल तो अब आपकी पीली होने वाली है माँ जी। है? हाँ जरा महमूद साहब से पूछे ये है कौन। माँ जी बताएं आप कौन है। माँ जी ये नहीं पूछे ये कौन है। हाँ ये गीली कौन है? गीली? अरे ये नीली है, मेरी दूसरी बीवी। महमूद साहब आपने दूसरी शादी कर ली? हाँ, और वो भी इतनी प्यारी लड़की से। शट अप नबील। ओके जानू। महमूद साहब आपको दूसरी शादी करते हुए शर्म नहीं आई? इन्हें तो बहुत शर्म आ रही थी, वो तो काजी साहब ने इनसे 3-4 बार पूछा तब जाके इन्होंने हाँ बोली है। कान लाल हो गए थे बिल्कुल। काजी साहब के? अरे नहीं इनके। ओए लड़की तुम्हारा क्या दिमाग चल गया था, अपनी बाप की उम्र के आदमी से शादी कर ली तुमने? ये तुमसे किसने कहा ये मेरी बाप की उम्र के? ये तो उनसे 2 साल बड़े हैं। क्या? महमूद साहब आपने माँ जी के बारे में जरा भी नहीं सोचा यार। अरे इसके बारे में सोच के ही तो दूसरी शादी का फैसला किया था भाई। What? भाई आप क्या इन सबको जवाब ही देते रहेंगे? मैं बहुत थक गई, मुझे रेस्ट करना है। आओ डार्लिंग हम कमरे में चल के रेस्ट करते हैं। माँ जी आपको क्या हो गया है? माँ जी कुछ तो बोले। माँ जी माँ जी लॉन में क्यों चली गई हैं? वो जानू अगला सीन लॉन में जो है। हाय लड़की, हाय मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी में वो आ गए। वो क्या माँ जी? पुत्र मुझे रात को गली में आते हैं ना कुत्ते कमीने, तेरी मार हो रही है तो तुझे मजाक सूझ रहा है। ऐसा भी क्या हो गया माँ जी? नबील माँ जी की जिंदगी अंधेर हो गई है यार। अंधेर? हाँ हाँ नहीं अंधेरे, हाँ मेरी जिंदगी में अंधेरे आ गए। और मेरे मियाँ ने दूसरी शादी कर ली, अब मैं क्या करूँगी? तीसरी शादी? नबील प्लीज यार, बजाय माँ जी को सहारा देने के तुम और उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। वो तो मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल कर रहा हूँ जानू, वरना महमूद साहब ने जो घटिया हरकत की है ना, मेरा दिल कर रहा है मैं उनका खून कर दूं। वशे। लेकिन दूसरी तरफ मैं अपनी माँ को बेवा होता हो भी नहीं देख सकता ना, इसलिए खामोश हूँ। माँ जी हौसला करें यार। कितनी आसानी से कह दिया माँ जी हौसला करें, तुम्हें माँ जी के दुख का अंदाजा ही नहीं है। क्यों माँ जी? हाँ पुत्र। तुम्हें मेरी माँ की तकलीफ का उस वक्त तक अंदाजा नहीं होगा जब तक मैं दूसरी शादी करके इस घर में सौतन न ले आऊँ। क्यों माँ जी? शट अप नबील, मैं तो माँ जी को तसल्ली दे रही थी, वरना मुझे क्या फर्क पड़ता है कि महमूद साहब दूसरी शादी करें या तीसरी। जानू माँ जी आप कहीं ये तो नहीं सोच रही कि मैं इसे मनाने जाऊंगा? नहीं पुत्र। थैंक यू माँ जी, मैं अभी आया इसे मना के। आप कहाँ जा रहे? हम लंच पे जा रहे हैं बूढ़ी गवार औरत, और उसके बाद हम लोग शॉपिंग पे भी जाएंगे, और उसके बाद हम मूवी पे जाएंगे। नहीं जान उसके लिए कल जाएंगे। ओके डार्लिंग जैसे तुम्हारी मर्जी। चले आओ चलो बाय। अब बड़ी दिल हले आए आज मेरा माही चले यार माँ जी क्या हो गया आपको यार, दोपहर में तो थोड़ा सोने दिया करें यार। ओए बेगैरत,
तेरी माँ की रातों की नींद उड़ गई है, यहाँ तो तू दोपहर में सोने की बात कर रहा है। ओ माँ जी, मैं क्या करूँ, आपको नॉर्मल करने के लिए मैं दूसरी शादी कर लूँ? माँ जी, अब जो हो गया वो तो हो गया, मुझे आज तक कहीं वो खाने पे नहीं देखे गया। ओ माँ जी बस कर दे, पिछले साल महमूद साहब आपको लेके गए थे बुफे डिनर पर, आपकी वजह से खाना कम पड़ गया था, भूल गई है। माँ जी, आपको खाने का दुख है या स्वतन के आने का? तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है बच्चों, अब मैं तुम लोगों को वो करके दिखाऊंगी। वो क्या? वो जो पंखे पे रस्सी डाल के करते हैं। करतब? ओए करतब नहीं, वो जो स्टूल पे चढ़ के करते हैं। डांस? माँ जी, आप खुद बता देंगे क्या करके दिखाएंगी? हाँ खुद, नहीं खुद नहीं, खुद कशी। अब मैं तुम दोनों को खुद कशी करके दिखाऊंगी। और चल 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 के सोते हैं यार। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नबील, माँ जी का कुछ पता नहीं, वो असल में खुदकुशी कर लेंगी। वो जो असल में करेगी वो खुदकुशी होगी? हाँ जी। तो चले जी, फिर पकड़ते हैं आए। माँ जी छोड़ दे मुझे ना। माँ जी, अब मैं जीना नहीं चाहती। नहीं माँ जी, मैं आपको खुदकुशी नहीं करने दूंगा। नहीं माँ जी, ऐसा मत करें, आप मर गई तो बुलबुले का क्या होगा? ना करें माँ जी, प्लीज प्लीज। जब तक वो औरत इस घर से नहीं जाएगी ना, मैं ट्राइयां करती रहूंगी। ठीक है माँ जी। क्या माँ जी खुदकुशी कर ले? ओ नहीं जानू, मैं उस औरत को धक्के मार के निकालूंगा इस घर से। माँ जी, ये मेरा आपसे वादा है। मुझे चल फिर उतार मुझे। आने दे माँ जी महमूद साहब और सुनीली को, वो दोनों एक मिनट के लिए इस घर में नहीं रह सकते। थैंक यू पुत्र। जाओ जानू, तुम देखो बाहर कौन है। माँ जी। हाँ जी। अच्छा सीन क्योंकि यहाँ है, आप वहां बैठे, मैं प्रॉप की चीजें वहां रखूं। ठीक है चल। आ गए आप लोग अयाशी करके? अयाशी करके नहीं, शॉपिंग करके आए हैं। और मजे की बात ये कि सारी की सारी शॉपिंग नीली ने करवाई है। What? चले ना जानू, अंदर चलते हैं। हाँ आओ आओ, अंदर चलते हैं भाई, अंदर चलते हैं ना। आओ आओ आओ। महमूद साहब वहीं रुक जाइए। क्यों भाई? हम सब ने मिलकर आपकी नई बीवी के बारे में एक फैसला कर लिया। वो क्या? वो ये के। अरे वो सब तो बाद में बताइएगा, पहले ये तो देख रहे जो मैं आप और खूबसूरत के लिए लाई हूँ। क्या? अच्छा हाँ नबील, तुम्हारे लिए ना तुम्हारी फेवरेट चीजें हैं। अरे तो आप लोग खड़े क्यों हैं? यहाँ बैठिए, मुझे नहीं, मैं खुद देखता हूँ। आप लोग ये पुत्र, ये तू कर क्या रहे हैं? ओ माँ जी डोंट डिस्टर्ब मी। अरे मेरी पसंदीदा घड़ी, मेरा फेवरेट गोल्ड नेकलेस और मेरी पसंदीदा टी-शर्ट। थैंक यू नीली अम्मी, थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा है। नबील वो अभी तुम क्या कह रहे थे कि नई अम्मी के मुतल्लिक कोई फैसला किया है तुम लोगों ने? हाँ पुत्र बोल, अब बोल। हमने ये फैसला किया है कि नई अम्मी जो है वो हम सबके साथ मिलकर इसी घर में रहेंगी। क्यों माँ जी ना करें, यहाँ से पानी निकल आएगा। क्यूट लग रहे हैं ना दोनों एक साथ। तुम मेरी बहू है, उसकी है। बहू तो मैं आपकी हूँ माँ जी, लेकिन आपने आज तक मेरा इतना ख्याल नहीं रखा जितना उसने रख लिया है। हाँ माँ जी, अगर आपने अपने शौहर की खिदमत की होती ना तो महमूद साहब कभी दूसरी शादी ना करते। चले अपन दोनों को नजर ना लगाए, जाए जाके खाना बनाए, सुबह से नीली भूखी है। आ गई।
और ये मैं स्पेशली तेरे लिए लाई हूँ बना के। अच्छा हाँ हाँ खा। ये मैं खुद भला कैसे खा सकती हूँ? इसको तो पहले मेरे शौहर खाएंगे फिर मैं खाऊंगी। देखा देखा मोमो, ऐसी होती है वफादार और प्यार करने वाली बीवियाँ। अरे तुम मो। अरे चले छोड़े भी, अब ये खाएंगे। नहीं, नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ मोमो? मैंने बड़ा बुरा ख्वाब देखा है। मैं जरूर नीली मैं तुम्हें अभी कॉल बैक करता हूँ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा।